Now, mapping from truth table. Map the SOP term on the K map from the given truth table. Suppose this truth table is given to you and you are supposed to map the आउटपुट एंड एज वेल एज द आउटपुट ऑन द के मैप्स, क्योंकि इनपुट्स तो हम अकॉर्डिंगली जिस तरह हमें ट्रूथ टेबल में अंदाजा होता है कि गिवन एक्सप्रेशन में अगर 3 लिटरल्स हैं तो हमें मालूम होता है कि 3 लिटरल्स के अकॉर्डिंगली ट्रूथ टेबल की इनपुट्स ऐसी सी बन जाएंगी. सिमिलरली के मैप में भी हमें ये मालूम होता है कि अगर गिवन डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन इज 3 लिटरल्स, सो वी विल बी यूजिंग 3 वेरिएबल के मैप. अब वो 3 वेरिएबल के मैप कैसे बनेगा, हम किस पोजिशन पे कैसे इनपुट को असाइन करेंगे, ये भी हमें मालूम. इफ दिस ट्रूथ टेबल इज प्योरली गिवन टू यू, सो फ्रॉम द ट्रूथ टेबल यू नो देर आर 3 लिटरल्स, तो 3 वेरिएबल का के मैप यूज हो जाएगा. एंड हाउ यू विल असाइन द लिटरल्स पोजिशंस डिपेंड्स ऑन यू. मैंने आपको के मैप के 3 वेरिएबल का जब इंट्रोडक्शन करवाया था तो मैंने आपको बताया था, बट द आइडियल और द गुड वे ऑफ मेकिंग अ 3 वेरिएबल इज के मैंने यहाँ सिंगल लिटरल रख लिया एंड 2 लिटरल्स मैंने यहाँ असाइन कर दिए, दैट इज बी एन सी, टेकिंग केयर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड द लीस्ट सिग्निफिकेंट. आई रिपीट, ए मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट है, सो वेन एवर आई एम गोइंग टू रीड द बाइनरी वैल्यू ऑफ ईच सेल आई हैव टू बिगिन विद द ए विच इज द रॉ लेफ्ट हैंड साइड एंड देन आई विल रीड द बी एन सी वैल्यूज फ्रॉम द टॉप कॉलम साइड. अच्छा, अब जो मुझे ट्रूथ टेबल में आउटपुट गिवन है, अकॉर्डिंग टू डैट आई एम गोइंग टू मैप वंस माई के मैप, क्योंकि के मैप के ऊपर जो हम ये वंस प्लॉट कर रहे होते हैं ना, वन मैप कर रहे होते हैं, वो हमारी एक्चुअली आउटपुट ही होती है जो हम के मैप्स के ऊपर प्लॉट या मैप कर रहे होते हैं. ये जो वंस हम लिखते हैं ये आउटपुट का एक्सप्रेशन होता है, उसका आंसर होता है जो हम लिख रहे होते हैं वन. सो फ्रॉम द गिवन ट्रूथ टेबल, दिस ट्रूथ टेबल इज गिवन टू यू, मैंने के मैप ड्रॉ कर लिया इसके अकॉर्डिंगली एंड नाउ आई एम गोइंग टू मैप वंस ऑन माई के मैप अकॉर्डिंग टू माई दिस गिवन आउटपुट दैट इज एफ. हाउ आई विल मैप इट ये देखिएगा, ए इज 0, बी सी 0 0, ए इज 0 एंड बी सी इज 0 0, ये पोजिशन बताती है मेरी सेल की. सो और यहाँ एफ की वैल्यू 1 है, सो आई एम गोइंग टू मैप 1 ओवर हियर. नेक्स्ट 1 0 0 0, अब 0 0 आप लिख सकते हैं, मतलब 0 0 1 0 0 1, इस सेल में मैं 0 लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि मैंने एसओपी के टर्म के अकॉर्डिंगली मैपिंग करनी है, और एसओपी में मैपिंग करते हुए मुझे सिर्फ वंस रिक्वायर्ड होते हैं, जहाँ जहाँ जिस जिसकी आउटपुट 1 हो वही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. पीओएस के केस में ये होता है कि मुझे 0s रिक्वायर्ड होते हैं, जहाँ जहाँ आउटपुट 0 हो मुझे वो टर्म्स पिक करनी होती हैं. सो अगर पीओएस इस पे नहीं मेंशन हुआ हुआ तो मैं यहाँ 0 लिख दूँ या ना लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अगर मैं 0 यहाँ नहीं लिखूंगी क्योंकि गिवन क्वेश्चन में एसओपी गिवन है तो मेरा थोड़ा सा मैप टाइडी रहेगा, नीट रहेगा, और जब मैं ग्रुपिंग की तरफ आऊँगी तो आपको अंदाजा होगा कि ग्रुपिंग करना ईजी हो जाएगा. सो एक्स्ट्रा टर्म मुझे बिला वजह लिखने की जरूरत नहीं है अगर वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है. सो पी ओ एस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द गिवन क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ 0 मार्क नहीं किया. नाउ नेक्स्ट मेरा 1 0 0, ए इज 1, बी सी इज 0 0, 1 0 0 ये दिस पोजिशन ऑफ द सेल बनती है और उसकी आउटपुट मेरी 1 है, ये दिखिएगा, देखिए इस पे 1 लिखा हुआ है, सो उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ 1 प्लॉट कर दिया. नेक्स्ट 1 1 1 1 0, मेरा 1 यहाँ प्लॉट हो गया क्योंकि उसकी आउटपुट 1 है, एंड देन लास्ट वाले की आउटपुट मेरी 1 है जिसका सेल की पोजीशन ये बनती है अकॉर्डिंग टू द बाइनरी वैल्यूज एज वेल, 1 इज ए, बी सी इज 1 1, 1 इज ए एंड बी सी इज 1 1, तो मेरा व्यू ये सेल बनता है, तो मैंने यहाँ 1 प्लॉट कर दिया. नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैप द एसओपी फॉर्म द गिवन एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन से आप फेमिलियर हैं, जिसमें मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन फॉर्म आपको गिवन है, ये मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स में शो कर दिया आपको. एक और फॉर्म में भी गिवन हो सकता है आपको क्वेश्चन, इधर इस एक्सप्रेशन फॉर्म में गिवन हो या इस तरीके से ये डेसिमल इक्विवेलेंट्स उसके मेंशन हो जाए, इधर दिस में भी अगर आपको मेंशन हो तो आपको ये बात मालूम है कि देखिएगा 1 3 4 5 6 ये डेसिमल इक्विवेलेंस गिवन है. सो 1 3 4 5 6 के अकॉर्डिंगली आपको मालूम है किस चीज का के मैप बन जाएगा. मिनिमम नंबर इज 1, मैक्सिमम नंबर इज 6, तो इसका मतलब है कि ये 3 लिटरल्स पे मुश्तमिल के मैप बनेगा. क्यों? क्योंकि 1 मिनिमम है, 6 मैक्सिमम है, इसका मतलब है इसकी इसकी जो डेसिमल वैल्यूज पाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू द बाइनरी इक्विवेलेंट 0 से लेके 7 तक पाई जाती हैं. ठीक हो गया, एंड हेंस कंप्लीट द टर्म्स इफ एनी टर्म हैज अ मिसिंग वेरिएबल. कोई मिसिंग वेरिएबल नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन में मौजूद है अगर हम इस एक्सप्रेशन के लिए बात करें, और राइट द बाइनरी इक्विवेलेंस फॉर ईच टर्म. ये अगर एक्सप्रेशन गिवन है तो हम उसके बाइनरी इक्विवेलेंस लिख सकते हैं, बेशक हम उसके बाइनरी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं. ये देखिएगा बाइनरी इक्विवेलेंस 0 0 1 0 0 1, यहाँ 1 आ गया. अगला टर्म के लिए बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 0 1 1 0
1 1, इस सेल पे 1 आ गया। अगला बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 1 00, 1 00, 1 यहाँ आ गया, अगला है 10, 1 101, बाइनरी 1 यहाँ आ गया, सॉरी 1 आउटपुट यहाँ आ गया, अगला है 110, 110, सी कॉलम से मैच किया, 110 ये, तो यहाँ 1 आ गया। अब आपको मैंने ये के मैप जब करवाया हुआ तो मैंने आपको बताया हुआ ये फ्लिपिंग होती है, ए में ए बी सी आप अपनी मर्जी से असाइन कर सकते हैं, मैंने ए यहाँ रखा हुआ, बी सी लिटरल्स यहाँ रखे हुए, उसकी पोजीशंस अकॉर्डिंग टू माय टर्म्स देखिएगा, ए इज मोस्ट सिग्निफिकेंट, सी इज लीस्ट सिग्निफिकेंट। तो जब मैं इस सेल की वैल्यू भी रीड करती हूँ तो मैं कैसे रीड करती हूँ, ए को पहले लेती हूँ, मोस्ट सिग्निफिकेंट, रॉ साइड लेफ्ट हैंड साइड, एंड देन बी एंड देन सी, ये बीज की वैल्यू है फर्स्ट डिजिट्स एंड सी की दूसरी वैल्यूज है। इसी तरीके से मैं वैल्यू रीड करती हूँ। अगर आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन हो, एफ इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम, समेशन ऑफ एम इज स्मॉल एंड समेशन का साइन है, तो आपको मालूम है ये एस ओ पी क्या टर्म्स गिवन है, 1 3 4 5 6, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखते हैं। ये मैंने आपको एक फॉर्म करवाया था एस ओ पी करवाते हुए कि हम इस एक्सप्रेशन को एंड अदर वे में भी आंसर कर सकते हैं, वो ये फॉर्म थी। और अगर इस फॉर्म में आपको सपोज क्वेश्चन गिवन हो, सो द स्मॉल एम एंड द समेशन साइन रिप्रेजेंट्स, ये एस ओ पी का एक्सप्रेशन है। और अब अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से गिवन है, सो आपको ये मालूम है कि ये जो डेसिमल इक्विवेलेंट लिखे हुए हैं, इन इन की जगह पे आउटपुट की वैल्यू 1 है। सो देखिएगा, 1 डेसिमल डिजिट है के मैप में, डेसिमल इक्विवेलेंट्स मैंने यहाँ लिखे थे, ये मैंने के मैप के इंट्रोडक्शन में बताया था, तो मैंने 1 यहाँ प्लेस कर दिया। अगला 2 इसमें नहीं लिखा हुआ, अगर इस पे 2 नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब है 2 एसओपी में नहीं आता, ये देखिएगा 2 इसमें भी एसओपी में नहीं आता, तो 2 के ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ 2 पे अगर पीओएस का केस होता तो 0 लिख देते, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 एसओपी टर्म में मौजूद है, 3 डेसिमल इक्विवेलेंट है, तो के मैप में डेसिमल इक्विवेलेंट कहाँ लिखा हुआ है इसका, 3, ये देखिएगा ये 3 डेसिमल इक्विवेलेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ, ये 1 है। या आप ये भी कर सकते हैं कि 3 इसका डेसिमल नंबर आपको गिवन है, सो 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, वही स्टेप बाइनरी इक्विवेलेंट में चेंज कर ले, डॉट 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0 1 1, ये देखिएगा ए इज 0 बी सी 1 1, ये देखिएगा 1 1, ये वही पोजीशन पे 1 लिखा हुआ। एंड अगेन 4 का डेसिमल इक्विवेलेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ, ये देखिएगा 4, अगर आपको 4 का डेसिमल इक्विवेलेंट नहीं याद के मैप पे कहाँ है, तो आप उसका बाइनरी इक्विवेलेंट में उसको चेंज कर लें, दैट इज 100, ये देखिएगा ए इज 1 एंड बी सी 00, तो यही पोजीशन बनती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज आवर 5 डेसिमल इक्विवेलेंट, अगर आपने के मैप पे डेसिमल इक्विवेलेंट टॉप राइट कॉर्नर पे मार्क किए हैं तो ये इजी हो जाएगा, ये देखिएगा यहाँ 1 आ गया, अगर आपने नहीं भी किया हुआ तो 5 को उसके बाइनरी इक्विवेलेंट में चेंज कर लें, दैट इज 101, ए इज 1, 01 इज बी सी, ये देखिएगा 01 इज बी सी 1। एंड नाउ 6 डेसिमल इक्विवेलेंट का बॉक्स, ये देखिएगा सेल यहाँ है, यहाँ फ्लिपिंग होती है, इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था यहाँ 6 आ गया, तो अगर आपको 6 की सेल की पोजीशन आपने डेसिमल इक्विवेलेंट ऊपर टॉप राइट पे नहीं भी लिखे हुए, इधर नहीं भी मेंशन किया हुआ, तो आप गिवन 6 जो है इधर क्वेश्चन में उसको डेसिमल इक्विवेलेंट में चेंज कर लें, दैट इज 110, ए इज 1, बी सी इज 10, एंड हेंस यहाँ आपका 1 आ गया। सो ईदर वे अगर आपको क्वेश्चन का कोई भी फॉर्मेट गिवन हो, स्टैंडर्ड एस ओ पी गिवन हो, तब भी यू कैन चेंज इट इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट, इस फॉर्म में गिवन हो समेशन साइन के साथ, तो यू नो कि आप उसके डेसिमल इक्विवेलेंट्स के साथ डायरेक्टली उसको के मैप पे आपने अगर लिखे हुए हैं तो मैप कर लें, या इसको भी बाइनरी इक्विवेलेंट में चेंज करके सेल के बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू पे के अकॉर्डिंगली वंस मैप कर लें। नॉन स्टैंडर्ड एस ओ पी गिवन है तो उसको स्टैंडर्ड एस ओ पी में किस तरह मिसिंग वेरिएबल की लिटरल्स को पूरा करना है, वो भी मैंने भी आपको एग्जाम्पल्स करवा दी है। हेंस नाउ आपको मैंने हर तरीके से वो एग्जाम्पल करवा दी है जिसमें नाउ यू नो हाउ टू मैप वंस ऑन द के मैप।